हेलो दोस्तों, वेलकम टू रश्मि की दुनिया। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। चंद्रयान 3 इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। भारत स्पेस की इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशन में लगातार रिसर्च की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 से काफ़ी एडवांस है। चंद्रयान 2 में रह गए एरर्स का पता लगाने के बाद चंद्रयान 3 में 21 चेंजेस किए गए हैं, जिनमें एल्गोरिदम प्रोसेसिंग सेंसर और हार्डवेयर में बदलाव शामिल है। चंद्रयान 3 का ज़्यादातर काम अहमदाबाद में स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC में किया गया है। ईयर 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 के लिए काम शुरू किया था, और इस बार चंद्रयान 3 में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए हैं। चलिए जानते हैं क्या नए चेंजेस किए गए हैं चंद्रयान 3 में। इस बार LDV लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नामक सेंसर यान की स्पीड को 3 डायरेक्शंस में मेजर करेगा, जिससे एक्यूरेसी मिलेगी। रेजर एल्टीमीटर, रडार एल्टीमीटर और कैमरा रेजोल्यूशन में भी काफ़ी सारा सुधार किया गया है। इसके साथ ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग एल्गोरिदम और सेंसर भी बदले गए हैं। डायरेक्टर्स के अनुसार चंद्रयान 2 में 5 प्रोपल्शन इंजन्स थे और ईच इंजन्स की पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 900 PPS थी। इस बार चंद्रयान 3 में 4 प्रोपल्शन इंजन्स हैं और हर इंजन की पावर जनरेशन कैपेसिटी 500 PPS है। टैंक्स की कैपेसिटी 390 किलोग्राम से बढ़ाकर 470 किलोग्राम कर दी गई है। टैंक में लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन होगी। डायरेक्टर के अनुसार चंद्रयान 3 की लैब और इंटीग्रेटेड फील्ड में टेस्टिंग हो चुकी है। चंद्रयान 3 की टेस्टिंग अहमदाबाद, बेंगलुरु और श्रीहरिकोटा में की गई है। इसके अलावा अलग अलग वातावरण में चांद जैसी जगह बनाकर लैंडर को उतारा भी गया है। अगर ये लैंडर चंद्रमा के सरफेस से 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराता है तो भी ये खड़ा रहेगा। इसके अलावा बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में हेलीकॉप्टर फ्लाइट की मदद से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 150 मीटर नीचे चंद्रयान 3 का लैंड टेस्ट भी किया गया है। फोन पर स्थिति का आभास तैयार करके सेंसर रेजोल्यूशन और लाइटिंग कंडीशन का भी परीक्षण किया गया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC के साइंटिस्ट की इस मिशन में 4 साल की कड़ी मेहनत शामिल है। इसके साथ ही लगभग 350 इसरो और 70 SAC के इंजीनियर्स और कुल 1000 से अधिक इसरो के लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है इस मिशन के लिए। लैंडर पर लगे 4 LI कैमरे और रोवर पर लगे 4 RI कैमरे अहमदाबाद में बनाए गए हैं। RI कैमरा लैंडर को देखता रहेगा और उसकी अलग अलग एंगल्स में पिक्चर क्लिक करेगा। रोवर के व्हील्स में इसरो का लोगो भी है, जिसका प्रिंट मून के सरफेस पर बनेगा और उसकी फोटो क्लिक होके अर्थ पे आएगी। लैंडर में इंक्लूडेड रडार एल्टीमीटर, एजर्ट डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस, HDA सिस्टम और LHDAC कैमरास भी अहमदाबाद के SAC में बनाए गए हैं। ये सभी सेंसर तब काम करना शुरू कर देंगे जब लैंडर लैंडिंग एरिया से 8 किलोमीटर दूर होगा, और इसका यूज़ तब तक किया जा सकता है जब तक कि लैंडर मून के सरफेस तक नहीं पहुंच जाता। मून पर अधिकांश देश इक्वेटर पर उतर चुके हैं क्योंकि वहां का सरफेस फ्लैट है, लेकिन इसरो ने मून पर साउथ पोल में सेफ एरिया लैंडिंग के लिए ढूंढ लिया है। लैंडर मून के साउथ पोल के 70 डिग्री लैटीट्यूड पर लैंड करेगा, जहाँ पर आज तक कोई भी देश का लैंडर नहीं उतरा है। इससे पहले चीन ने अपना लैंडर 45 डिग्री लैटीट्यूड पर लैंड किया था। अगर चुनी गई पहली साइट लैंडिंग के लिए सूटेबल नहीं लगी तो लैंडर उससे 60 मीटर्स दूर किसी दूसरी साइट पर उतरेगा।
अगर लैंडर इन दोनों साइड्स पर नहीं लैंड करता है तो वो ऑटोनॉमस लैंडिंग करेगा। 12 डिग्री की ऊंचाई पर भी लैंड करने पर लैंडर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा। चांद की ऑर्बिट में आने के बाद और लैंडिंग से 8 आवर्स पहले इसरो ऑर्बिटर कैमरे OHRC के माध्यम से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून की फोटोज क्लिक करेंगे। के 2 घंटे बाद चंद्रयान 3 ऑर्बिट में होगा। चंद्रयान 3 मून के सरफेस पे उतरने से पहले 150 मीटर की ऊंचाई पर होवरिंग करेगा, जिसमें वो लैंडिंग के लिए सूटेबल एरिया को सर्च करेगा। लैंडर के मून पे उतरने के लगभग 4 घंटे बाद रोवर निकल जाएगा और मून के सरफेस पर प्रयोग करेगा। जहां रोवर जाएगा वहां टेस्टिंग करेगा, जिसमें मून का एटमॉस्फेयर, सॉइल के केमिकल्स और मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जिसके बाद ये सारा डेटा रोवर लैंडर को ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद लैंडर से भेजा गया ये सारा डेटा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के स्पेस एजेंसीज के डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू इसरो को रिसीव होगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की स्ट्रक्चर, हिस्ट्री और जियोलॉजी के बारे में नई जानकारी हासिल करने का वादा करता है। ये सभी इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट और ड्रीम मिशन है, और साथ ही ये इसरो के साइंटिस्ट के लिए भी एक ड्रीम मिशन है, क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत इस मिशन के साथ जुड़ी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फॉर मोर सच क्रिएटिव, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रश्मि की दुनिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन।